कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल का प्रथम बार लाल कुआं आगमन पर कांग्रेस नगर कार्यालय पर स्वागत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नैनीताल के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल को पीसीसी सदस्य, हरेंद्र बोरा को पीसीसी सदस्य, बिंदुखत्ता ब्लॉक अध्यक्ष पुष्कर सिंह दानू, एससी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण धपोला, एससी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक राजपाल, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बीना जोशी का फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल ने कहा है कि संगठन में कार्य करने वालों के बहुत अवसर हैं, एकजुटता के साथ बिना किसी गुटबाजी के कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाएगा। वहीं उन्होंने आगामी निकाय चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का आह्वान करते हुए जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश किए जाने की बात कही। साथ ही तीनों ब्लॉक के भ्रमण कर नए ऊर्जावान युवाओं को जिम्मेदारी सौंपते हुए नए कार्यकारिणी गठित किए जाने की बात कही। कि मेरा छात्र राजनीति से मेरा राजनीति शुरू हुई है, मैं छात्र संघ में अध्यक्ष भी रहा हूँ, मुझे NSUI का ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, यूथ कांग्रेस में भी रहा हूँ, फिर मैंने महानगर में मैं 4-5 साल अध्यक्ष रहा हूँ। अब मुझे पार्टी ने एक विश्वास के साथ और एक उम्मीद के साथ कि मुझे जिले का अध्यक्ष बनाया है। मैंने अभी अपने संबोधन में भी कहा था कि जिले में, हमारे जिले में सबसे पहले मैं ध्यान दूंगा कि जो हमारा कांग्रेस पार्टी है उसमें अनुशासन सर्वोपरि हो, और निश्चित रूप से जो मेरी कमेटी बनाई जाएगी उसमें अनुशासन को सर्वोपरि रखा जाएगा। और मैं आपको आने वाले समय में विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जिला नैनीताल में इस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज आपको नहीं दिखाई देगी जहां पर आपको लगेगा कि यहां पर कांग्रेस कहीं पर धड़ों में बटी है या गुटों में बटी है। आपको पूरी कांग्रेस एक दिखाई देगी और एक साथ, जिसे कहते हैं कि सत्ता से लड़ते हुए दिखाई देगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता का मनोबल कभी नहीं टूटता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता का मनोबल हमेशा ऊंचा रहा है, ऊंचा ही रहेगा। निश्चित रूप से ऐसे लोग जो मतलब समझते हैं कि जो दो नाव में खेल खेलना चाहते हैं, कि उनको लगता है कि भाई अगर उनके पास कहीं पर, ये लोग किसको दबा सकते हैं, कि जिनको लगता है कि भाई किसी चोरी की हो, बेईमानी की हो, डाका डाला हो, तो समझता हूँ कि ये लोग उस पर दबाव अपनी ईडी का, अपनी CBI का बना सकते हैं। लेकिन एक आम जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो निश्चित रूप से जनता के बीच में काम करने वाला है और इनसे डरने वाला कोई नहीं है। आज देखिए हमारे देश में राहुल गांधी जी की आवाज़ दबाने का काम इन्होंने पूरी तरीके से किया, संसद में भी इन्होंने जिसे कहते हैं कि वहां पर माइक बंद करने का काम किया, और आज जिस तरीके से मतलब साजिश के तहत जिस तरीके से उनकी सदस्यता को रद्द करने का काम किया, तो निश्चित रूप से ये चीजें सब देश देख रहा है, जनता देख रही है, और निश्चित रूप से जनता ने मन बना लिया है कि इस साल, इस वर्ष जो है कि इस बार कांग्रेस में ये भाजपा सरकार की विदाई तय है।